पे आते हैं चाय पीने के लिए। आप लोग भी कभी यहाँ आते हैं तो अपोजिट आशापुरा है, जो आपको छिलके और बिना छिलके में मिल जाएंगे, सब वैरायटी में बहुत लगभग रेडी हो चुकी है। और ये देखिए आप पालक का अपना हलवा भी बनकर रेडी है, सिर्फ इसमें टॉपिंग में ये जो कोकोनट का पुरादा है वो डाल देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल समावेश सिटी में। तो लो जी दोस्तों, एक और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो एक आज छोटा सा मोटो वीडियो बनाने वाला हूं। मैं जा रहा हूं यहां गांव से सरदारनगर मार्केट के अंदर, और एक्चुअली छोटा सोलो ट्रैवलिंग वीडियो है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं इंदिरा ब्रिज के ऊपर, तो जैसा कि आप देख पाएंगे बहुत प्यारा सा व्यू है। और मोटो ब्लॉग के अंदर आपको कैसा ये व्यू नज़र आता है आपका राय ज़रूर देखें। और यहाँ से मैंने रॉन्ग साइड में ले लिया है सरिस रोड के ऊपर, क्योंकि मुझे इंदिरा ब्रिज क्रॉस करना है लेकिन सिग्नल अभी क्लोज है। तो क्या करूँगा मैं, आगे जाके एकदम आगे जाके गाड़ी रोकूँगा। ऊपर और यहाँ से थोड़ा पार्सल ले लेते हैं, बहुत प्रख्यात है, और बीस की चाय पैक कर दो ना। और मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ अपने वहाँ पर जहाँ पर जाना हूँ, और यहाँ से चाय लेके जाता है, मेरी फेवरेट है, मेरी नहीं, यहाँ सरदारपुर नगर के अंदर मोस्ट ऑफ बंदे यहीं पे आते हैं चाय पीने के लिए। आप लोग भी कभी यहाँ आते हैं तो अपोजिट आशापुरा डेयरी के पास में ही है ये चाय वाले, तो बहुत फेमस है, तो एक बार ज़रूर आप जायका लीजिए, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ सरदार नगर में अपने फ्रेंड्स की दुकान पे, उनका चवाना की दुकान है, और आपको मैं कुछ वैरायटी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो बहुत सारी वैरायटी में आपको खजूर वगैरह, आपको चकली वगैरह, यहाँ पर देखो सींग है, छिलके वाली भी मिल जाएगी, बिना छिलके वाली मिल जाएगी, खजूर है जो आपको छिलके और बिना छिलके में मिल जाएंगे, सब वैरायटी में बहुत सारा यहाँ पर है ऑप्शन, आप आ सकते हैं। और इनकी दुकान का नाम है भगवती सिंह चाणा गृह उद्योग, जो आपको गोविंद स्टोर के अपोजिट में मिलेगी, थोड़ा सा अंदर की साइड में आप जाएंगे सब्जी मार्केट के पास में ही, तो भगवती सिंह चणा गृह उद्योग के नाम से है। और ये भैया रहते हैं दुकान पे, क्या नाम है जी आपका? संजय। संजय भैया ना, संजय भैया रहते हैं, और आप लोग कभी भी आइए यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर कभी आएंगे और मेरा नाम लेंगे तो आपको व्यवस्थित दाम में आपको व्यवस्थित चीज़ें मिल जाएगी। एक बार ज़रूर आइए इनकी दुकान पर, बहुत अच्छे व्यापार वाले बंदे हैं, एक बार आपको इनको मौका दीजिए सेवा का, और आपको मैं बहुत सारी ऑप्शन दिखाना चाहूँगा, बहुत सारी वैरायटी है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। एक चौक दे दी, बर्तन दे दीजिए, लिखने वाला चौक बच्चे के लिए, ये नहीं सर पतला वाला, हाँ पेंसिल क्या बोलते हैं, हाँ जी स्लेट वाला सर,
₹10 काटो, 45 वापस। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ से अभी अपन ले लेते पनीर और दूध। सर एक पनीर दे दीजिए और एक दूध दे दीजिए। बना रहे हैं पनीर, पालक पनीर की सब्जी। तो मैंने पहले पनीर फ्राई करके निकलवा दिया है और उसके बाद में बनाएंगे गाजर का हलवा, उसकी भी तैयारी हो रही है। और गाजर हमने घिस के रख दी है अभी फिलहाल। तो इधर अपनी ग्रेवी मतलब रेडी हो चुकी है। और ये देखिए आप पालक कमजोर पिस चुके हैं, तो ग्रेवी ने अभी देखिए थोड़ा ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेवी के अंदर पालक को मिक्स करेंगे। और ये प्रिपरेशन हो रहा है अपना हलवे के लिए। तो हलवा अभी हम क्या करेंगे, गाजर को निचोड़ देंगे, फिर उसके बाद में इसमें डाल के इसको भून लेंगे। तो अभी गाजर को डाल देते हैं। अपना हलवा भी बनकर रेडी है, सिर्फ इसमें टॉपिंग में ये जो कोकोनट का पुलाता है वो डाल देता हूँ। और उसके बाद में बस डिनर की तैयारी करते हैं। अपना खाना कंप्लीट रेडी है, हलवा सब्जी रोटी सब कुछ खा लेते हैं। इसके साथ में ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने ध्यान रखिए। बोलिए हर हर महादेव।